गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास फिफ्थ पेज नंबर 52 पे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का मैंने ई एफ जी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेज दिया था। आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ आपको। ई वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम बाय द शॉर्ट डिवीजन मेथड से हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। मैंने इसका पीडीएफ भेज दिया था आपको एक दिन पहले, इसका 28 और 84 का हमने एलसीएम निकाला। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन मेथड है, तो हम दोनों का क्या करेंगे, साथ में निकालेंगे। शॉर्ट डिवीजन का मतलब होता है साथ में करना इसको, है ना, दोनों को। अब इसमें 28 और 84 है। अब ये देखो, इसमें 8 है वंस नंबर पे, यानी ये इवन नंबर है। यहाँ पे 4 है, तो ये भी इवन नंबर है, तो यानी दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 28 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 14, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। ऐसे ही 84 को देखो, 84 को देखो, यहाँ पे 84 को भी हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी हमारे पास क्या आ गया, 42। अब आगे देखो इसको, अब इसमें भी वंस नंबर पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी इवन नंबर है, यानी ये भी 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है, और 2 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये ओड नंबर आ गया है 7, और उसमें भी 1 है, तो यानी दोनों ही ओड नंबर है, या तो ये 3 से डिवाइड होंगे या फिर ये 7 से डिवाइड होंगे। और ये दोनों डिजिट किससे डिवाइड हो रही है अपनी, 7 से। 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड होगा। देखो मैंने आपको पहले एचसीएफ करवाया था, शॉर्ट डिवीजन मेथड, उसमें हमने क्या किया था, इसी टाइप से किया था, लेकिन जब तक दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही थी तब तक हमने डिवाइड किया था। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, तब तक इसके फैक्टर निकालते जाएंगे। तो इसमें 3 वन जा 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 28 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 84। इस तरह से हमने एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है 28, 56, 84, इसका भी हमको एलसीएम ही निकालना है, और वो भी शॉर्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब इसमें भी देखो, सब में वंस नंबर पे क्या है, 8 है, 6 है, 4 है, यानी कि इवन नंबर है, यानी जो कि ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, यानी 2 की टेबल से हमने 28 को डिवाइड किया तो 14 आया। ऐसे ही 56 को भी 2 से डिवाइड किया। ऐसी टेबल लेनी है जिससे कि तीनों ही डिजिट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2 से तीनों ही डिजिट डिवाइड हो रही है, तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, 28। ऐसे ही हमने 84 को भी डिवाइड किया 2 से तो क्या आया, 42, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें 4 है, 8 है और 2 है, यानी इसमें भी वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, यानी जो कि 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। आगे 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स में, 2 की टेबल से हमने 28 को डिवाइड किया तो क्या आया, 14, और 42 को डिवाइड किया तो क्या आया, 21। डिवाइड करके चाहे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड से। अब आगे देखो, ऐसी टेबल लेनी है जिससे कि तीनों ही डिवाइड हो जाए, तीनों ही डिजिट डिवाइड हो जाए। देखो 3 से 7 नहीं होंगे, 14 नहीं होंगे, ओनली 21 होंगे। तो ऐसी टेबल लेने से तीनों डिजिट डिवाइड, तो 7 से, 7 वन जा 7, 7 2 जा 14, और 7 3 जा 21, ठीक है। अब आगे 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हमको डिवाइड करते जाना है। एलसीएम में ये नियम है, और एचसीएम में जब तक तीनों डिजिट एक ही टेबल से डिवाइड है तब तक करते हैं, बाकी आगे नहीं करते हैं। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर निकल गए एलसीएम के, 2 × 2 × 2 × 7 × 3। अब इसका मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 168, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो, 36 और 24 का भी हमको शॉर्ट डिवीजन मेथड से एलसीएम ही निकालना है। अब 36 को देखो, इसमें भी 6 है और 4 है, यानी इवन नंबर है, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 वन जा 2 और 2 एट जा 16, यानी 2 की टेबल से 36 को डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, 18।
और 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। ऐसे ही आके करेंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 2 को और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक है, अब आगे देखो, अब ऐसी टेबल से डिवाइड करना, देखो ये 3 की टेबल से दोनों डिजिट डिवाइड हो रही है तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 और फिर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1। तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार 2 है और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 8 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 72। ये आपका एलसीएम आ गया 72 थर्ड वाले का। अब क्वेश्चन नंबर देखो, ई वाला कंप्लीट हो गया है आपके। अब क्वेश्चन नंबर एफ वाला देखो ध्यान से, टिक द प्राइम नंबर। मैंने आपको प्राइम नंबर बता दिया है, टिक द क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने बताया जो स्वयं की टेबल से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं प्राइम नंबर, यानी जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है, ये जो है ये क्या है प्राइम नंबर है। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या है, देखो 2 है और यहाँ पे 5 है और 19, ये क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 3 47 53 111। तो ये क्या, देखो यहाँ पे 3 है 47 है और 53 है, 111 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, जो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं की टेबल से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आप एफ वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब जी वाला क्वेश्चन देखो, कंपोजिट नंबर बताना है, इसमें टिक करना है कंपोजिट नंबर के ऊपर। तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखो 25 जो है कंपोजिट नंबर है, 18 जो है कंपोजिट नंबर है, देखो 19 मैंने बता दिया था आपको प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 0 भी प्राइम नंबर के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखो सर, इसमें इसका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा, 25 और 18 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 17 94 88 और 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 94 88 और 51, क्योंकि 17 यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अलावा मैंने बताया था जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन, आपका जी वाला क्वेश्चन भी हो गया है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 5.3। अब मंडे से मैं आपका टेस्ट शुरू करूँगी। ठीक है, आप प्रिपेयर कर लेना, अभी आपको फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम मिलेगा, इसमें आप एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पहले, तो आप प्रैक्टिस कर लेना पहले 1 चैप्टर की, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की, इस तरह से, और उसके बाद 5 की। पहले मैं आपका एक बार पूरा टेस्ट लूँगी, क्लास टेस्ट लूँगी। क्लास टेस्ट में आपको क्या करूँगी, मैं क्वेश्चन दूँगी, PDF बना के भेजूँगी, आप वो क्वेश्चन किस में सॉल्व करेंगे, क्लास वर्क कॉपी के अंदर ही सॉल्व करोगे। क्लासेस डालते जाना, क्लासेस फर्स्ट, क्लासेस सेकेंड, और ये कॉपियाँ मैं आपकी स्कूल के अंदर ही चेक करूँगी। जिस दिन फ्राइडे सैटरडे के दिन टर्न आएगा उस दिन आपका क्लास टेस्ट भी चेक करूँगी। ये आपको मेरे को PDF बना के भेजना नहीं है, मंडे से आपका ये टेस्ट शुरू होगा, 5 चैप्टर 1 से चलेंगे हम, तो आप रिविज़न स्टार्ट कर देना, आप प्रैक्टिस करना, आपको टाइम मिल जाएगा फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे से अपना टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।